हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिशनल बिहारी स्टाइल बैगन चोखा बताने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ले लिया है 200 ग्राम बैगन, से 6 लहसुन ले लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्ची, 2 टीस्पून सरसों तेल ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर ले लिए हैं, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ती जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम बैगन को चेक कर लेंगे कहीं ख़राब तो नहीं है। कभी कभी बैगन ऊपर से अच्छा दिखता है, मगर हम जब उसे काट कर देखते हैं तो अंदर में कीड़े आ जाते हैं, तो इसलिए हम इस तरह चीरा लगाकर चेक कर लेंगे कि बैगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। इस तरह 2-3 चीरा कर लेंगे बैगन में हम, इस तरह चेक करेंगे हम बैगन को, देख सकते हैं बैगन अच्छा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब हम सरसों तेल लेकर बैगन के ऊपर इस तरह अप्लाई कर लेंगे। इस तरह सभी तरफ से मैंने सरसों तेल अप्लाई कर दिया है बैगन पर। अब हम छिली हुई लहसुन लेकर जहाँ पर हमने चीरा लगाया था वहाँ पर इस तरह डाल देंगे, ताकि जब बैगन रोस्ट होगा तो साथ में लहसुन भी रोस्ट हो जाएगा। अब हम हरी मिर्ची लेंगे, उसकी डंठल निकाल देंगे। दूसरी तरफ बैगन को जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ पर हम ग्रीन चिली इस तरह डाल देंगे। इस तरह हमने मिर्ची लहसुन को बैगन में डाल दिया है। अब ये तैयार है स्टोव में रोस्ट होने के लिए। इस तरह हम दोनों टमाटर को भी सरसों तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे सभी तरफ से। इस तरह बैगन टमाटर ग्रीस हो गए हैं। गैस स्टार्ट कर लेंगे और उसमें आयरन का छन्नी रख सकते हैं, या जिससे फुलका हम फुलाते हैं वो छन्नी रख सकते हैं। हम बैगन और टमाटर इस तरह छन्नी में रख देंगे गैस के ऊपर। हम डायरेक्ट गैस पे भी रख सकते हैं इस तरह, मगर हम सब साथ में कर रहे हैं ताकि टाइम भी कम लगे और गैस भी कम लगे। अब हम इसे रोस्ट होने देंगे स्टोव में इस तरह, और हमें बीच बीच में इसे पलटना है ताकि ये हर तरफ से रोस्ट हो जाए। टमाटर और बैगन की स्किन काली पड़ जाएगी, हमें इस तरह रोस्ट करना है इसे। देख सकते हैं टमाटर एक तरफ से रोस्ट हो गई है, उसकी स्किन जलने लगी है, तो हम इसे पलट लेंगे इस तरह और दूसरी तरफ से रोस्ट होने देंगे। हम बैगन को चेक करते हैं, हम देख सकते हैं लहसुन भी रोस्ट हो गई है, तो अब हम इसे पलट देंगे मिर्ची के साइड वाली तरफ और उसे पकने देंगे। बैगन टमाटर इसी तरह रोस्ट होते हुए पक जाएंगे अच्छे से। इसी तरह हमें हर तरफ से रोस्ट करके इसे पकाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ची लहसुन बैगन टमाटर सभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं स्किन पील ऑफ होने लगी है और जो मिर्ची है वो भी काले पड़ गए हैं। अब हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे एक प्लेट में। इस तरह हमने एक प्लेट में सबको निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट, और उसके बाद इसका स्किन रिमूव कर लेंगे। बैगन टमाटर मिर्ची लहसुन ये सबको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है गैस पर। को अच्छे से रोस्ट करने से क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी तंदूरी फ्लेवर आएगा, इसके लिए ये चोखा फेमस है। ये चोखा खाएंगे तो आपको इसका तंदूरी फ्लेवर फील होगा। अब इस तरह हमें टमाटर की स्किन पील ऑफ कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर का स्किन इजिली निकल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह हमें बैगन को भी पील कर लेना है, जो ऊपर का जला हुआ लेयर है हमें उसे पूरा निकाल लेना है। इस तरह हमने पील कर लिया है बैगन और टमाटर को। अब एक बड़ा बाउल लेकर उसमें हम टमाटर मिर्ची लहसुन और बैगन डाल लेंगे। अब कोई हम पोटैटो मैशर ले लेंगे, या आप हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं, क्योंकि हमने तंदूर कर दिया था सबको, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं अंदर से, तो आपको इस तरह अच्छे से मैश कर लेना है पूरा। इस तरह हमने अच्छे से मैश कर लिया है बैगन टमाटर मिर्ची और लहसुन सबको। अब हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, बारीक कटे हुए धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन मिर्ची लिया है ऊपर से डालने के लिए, ये ऑप्शनल है। कद्दूकस किया हुआ 1/2 टीस्पून अदरक डाल लेंगे, 2 टीस्पून सरसों तेल मिला लेंगे इसमें। चोखा में सरसों तेल डालने से उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आप सरसों तेल ट्राई करें। 1/2 टीस्पून नमक डाल लेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब एक बार सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह हमारा बैगन का चोखा तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, मगर बहुत टेस्टी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिशनल बिहारी स्टाइल बैगन चोखा बताने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ले लिया है 200 ग्राम बैगन, से 6 लहसुन ले लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्ची, 2 टीस्पून सरसों तेल ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर ले लिए हैं, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ती जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम बैगन को चेक कर लेंगे कहीं ख़राब तो नहीं है। कभी कभी बैगन ऊपर से अच्छा दिखता है, मगर हम जब उसे काट कर देखते हैं तो अंदर में कीड़े आ जाते हैं,
तो इसलिए हम इस तरह चीरा लगाकर चेक कर लेंगे कि बैगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। इस तरह दो तीन चीरा कर लेंगे बैगन में, हम इस तरह चेक करेंगे हम बैगन को, देख सकते हैं बैगन अच्छा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब हम सरसों तेल लेकर बैगन के ऊपर इस तरह अप्लाई कर लेंगे। इस तरह सभी तरफ से मैंने सरसों तेल अप्लाई कर दिया है बैगन पे। अब हम छिली हुई लहसुन लेकर जहाँ पर हमने चीरा लगाया था वहाँ पर इस तरह डाल देंगे ताकि जब बैगन रोस्ट होगा तो साथ में लहसुन भी रोस्ट हो जाएगा। अब हम हरी मिर्ची लेंगे, उसकी डंठल निकाल देंगे। दूसरी तरफ बैगन को जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ पर हम ग्रीन चिली इस तरह डाल देंगे। इस तरह हमने मिर्ची लहसुन को बैगन में डाल दिया है। अब ये तैयार है स्टोव में रोस्ट होने के लिए। इस तरह हम दोनों टमाटर को भी सरसों तेल से ग्रीसिंग कर लेंगे सभी तरफ से। इस तरह बैगन टमाटर ग्रीस हो गए हैं। गैस स्टार्ट कर लेंगे और उसमें आयरन का छन्नी रख सकते हैं या जिससे फुलका हम फुलाते हैं वो छन्नी रख सकते हैं। बैगन और टमाटर इस तरह छन्नी में रख देंगे गैस के ऊपर। हम डायरेक्ट गैस पे भी रख सकते हैं इस तरह, मगर हम सब साथ में कर रहे हैं ताकि टाइम भी कम लगे और गैस भी कम लगे। अब हम इसे रोस्ट होने देंगे स्टोव में इस तरह, और हमें बीच बीच में इसे पलटना है ताकि ये हर तरफ से रोस्ट हो जाए। टमाटर और बैगन की स्किन काली पड़ जाएगी, हमें इस तरह रोस्ट करना है इसे। देख सकते हैं टमाटर एक तरफ से रोस्ट हो गई है, उसकी स्किन जलने लगी है, तो हम इसे पलट लेंगे इस तरह और दूसरी तरफ से रोस्ट होने देंगे। हम बैगन को चेक करते हैं, हम देख सकते हैं लहसुन भी रोस्ट हो गई है, तो अब हम इसे पलट देंगे मिर्ची के साइड वाली तरफ और उसे पकने देंगे। बैगन टमाटर इसी तरह रोस्ट होते हुए पक जाएंगे अच्छे से। इसी तरह हमें हर तरफ से रोस्ट करके इसे पकाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ची लहसुन बैगन टमाटर सभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं स्किन पील ऑफ होने लगी है और जो मिर्ची है वो भी काले पड़ गए हैं। अब हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे एक प्लेट में। इस तरह हमने एक प्लेट में सबको निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट और उसके बाद इसका स्किन रिमूव कर लेंगे। बैगन टमाटर मिर्ची लहसुन ये सबको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है गैस पर। को अच्छे से रोस्ट करने से क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा सा स्मोकी तंदूरी फ्लेवर आएगा। इसके लिए ये चोखा फेमस है, ये चोखा खाएंगे तो आपको इसका तंदूरी फ्लेवर फील होगा। अब इस तरह हमें टमाटर की स्किन पील ऑफ कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर का स्किन इजीली निकल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह हमें बैगन को भी पील कर लेना है, जो ऊपर का जला हुआ लेयर है हमें उसे पूरा निकाल लेना है। इस तरह हमने पील कर लिया है बैगन और टमाटर को। अब एक बड़ा बाउल लेकर उसमें हम टमाटर मिर्ची लहसुन और बैगन डाल लेंगे। अब कोई हम पोटैटो मैशर ले लेंगे या आप हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं, क्योंकि हमने तंदूर कर दिया था सबको तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं अंदर से, तो आपको इस तरह अच्छे से मैश कर लेना है पूरा। इस तरह हमने अच्छे से मैश कर लिया है बैगन टमाटर मिर्ची और लहसुन सबको। अब हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, बारीक कटे हुए धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन मिर्ची लिया है ऊपर से डालने के लिए, ये ऑप्शनल है। कद्दूकस किया हुआ हाफ टी स्पून अदरक डाल लेंगे, 2 टीस्पून सरसों तेल मिला लेंगे इसमें। चोखा में सरसों तेल डालने से उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मगर आप सरसों तेल ट्राई करें। 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब एक बार सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह हमारा बैगन का चोखा तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है मगर बहुत टेस्टी है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।